हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, क्यों मानी हिमेश रेशमिया ने सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर ऋतुराज के सामने अपनी हार। क्या बोला उन्होंने ऋतुराज की परफॉर्मेंस को देखकर? चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर जहां एक ओर ऋतुराज हिमेश रेशमिया की हमेशा टांग खिंचाई करते हैं, उनको परेशान करते हैं, कभी उनकी कॉफ़ी में मिर्च मिला देते हैं तो कभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देते हैं। इन शॉर्ट कि इस नन्हे से बच्चे ने हिमेश रेशमिया की नाक में दम कर रखा है। लेकिन गायकी के मामले में भी हिमेश ने घुटने टेक दिए हैं अब ऋतुराज के सामने। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आने वाले एपिसोड में ऋतुराज का एक नया अवतार, एक नया रूप आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें ऋतुराज एक नहीं बल्कि तीन तीन गानों पर परफॉर्म करेंगे, जिसमें से एक गाना तो आप देख ही चुके हैं, यानी कि फिल्म अभिमान का गीत। और ऐसे में इसके बाद भी ऋतुराज ने दो और परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें से एक परफॉर्मेंस उन्होंने सलमान के साथ दी और एक और सोलो परफॉर्मेंस दी। लेकिन जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो हिमेश रेशमिया ने कहा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा ऋतुराज, मानता हूँ कि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तुम बहुत शैतान हो, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हारी गायकी में बहुत दम है और तुम इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा गाते हो। इसको देखकर मुझे ये कहने में अब ज़रा सा भी डर नहीं लगता कि तुम्हारे आगे तो अच्छे अच्छे फेल हो जाएंगे, तुम्हारा भविष्य बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और मैं ये कहूँगा कि जब तक तुम मेरी उम्र तक पहुँचोगे तब तक तो शायद मैं भी तुमसे हार मान लूँगा, क्योंकि तुम सच में शानदार हो। जब इस तरह की बात ऋतुराज के लिए हिमेश रेशमिया ने बोली तो छोटा सा ऋतुराज स्टेज पर ही झूम उठा, मानो उसको तो अवार्ड मिल गया हो। भाई, जिसकी टांग खिंचाई इतनी की हो, अगर वो तारीफ करे तो बात तो बड़ी है ही ना। भाई, अब आप क्या कहेंगे इस पर हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।